वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग डायुरेटिक्स के बारे में समझेंगे। डायुरेटिक्स, व्हाट डायुरेटिक्स आर, डायुरेटिक्स क्या होते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्या रिक्वायरमेंट होती है तो डायुरेटिक्स की। तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। डायुरेटिक्स जो ड्रग क्या होते हैं, डायूरेसिस मतलब यूरिन को फॉर्मेशन में, फास्टर यूरिन एलिमिनेशन में काम करते हैं, ठीक है, फास्टर यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दीज आर दी ड्रग्स, दे आर हेल्पफुल इन फास्टर यूरिन फॉर्मेशन। सेकेंडली क्या होता है, ये क्या करते हैं, यूरिन को कैसे फॉर्मेशन करते हैं जल्दी से, तो अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ इंक्रीज द रो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट जिनको बोलते हैं। समटाइम्स वी कैन फाइंड के प्लस को भी, ये लोग आपको दिख जाएगा, कुछ कुछ डायुरेटिक्स होते हैं के प्लस को भी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से इनके रीएब्जॉर्प्शन को क्या होते हैं, ये लोग इनहिबिट करते हैं, मतलब कि जब हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लोग इनहिबिट कर देते हैं, इस प्रोसेस को रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये सब बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। अब हमें डायुरेटिक्स देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, डायुरेटिक्स हम लोग जनरली देते हैं जब आपको क्या हो जाता है, बॉडी में आपको एडिमा हो जाता है, एडिमा मीन स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, ब्लड वॉल्यूम कंटेंट बढ़ गया है, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गई है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, डायबिटिक्स देके बिकॉज दिस एडिमा टू गो अवे। सेकेंडली चीज़ क्या होती है हमारी, कि हमारा क्या कहते हैं, एक डिसऑर्डर होता है जनरली, दैट इज़ हाइपरटेंशन, एसटीएन हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में जब वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है वेसल्स के अंदर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो टू कॉज वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायबिटिक्स देते हैं, ठीक है। हम लोग क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होता है, वी हैव दिस सोडियम एंड क्लोराइड, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनकी बॉडी में से रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, जब रीअब्जॉर्प्शन रुक जाता है तो हमारा हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग ये हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं, और डायरेक्टली अगर बात करूँ तो मैं इडीमा वगैरह कॉज होता है जो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। कभी कभी ब्रेन में इडीमा है तो इस टाइप के हम लोग डायुरेटिक्स देते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि नॉर्मल जो प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का वो कैसा होता है, और हमारे जो क्या कहते हैं अपने डायुरेटिक्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे ऐड करते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो दिस स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से शुरू होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पर खूब सारा वॉल्यूम आपका जो लिक्विड आपका या आपका जो भी बॉडी फ्लूइड्स आते हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं थ्रू ब्लड, ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियोल्स। एंड देन उसके बाद क्या होता है हम लोग का, ये पास करते हैं अलग अलग चैनल में से, ठीक है। तो पहला जो अपना होता है वो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो आपका पीसीटी होता है, पीसीटी ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। फिर हम लोग के ये जो है वो आपके क्या होते हैं, एसेंड लूप ऑफ हेनले बोल सकते हैं, ठीक है, वैसे थिन लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। तो ये आपकी लूप ऑफ हेनले होते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये आपका ऊपर बढ़ रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन वी हैव दिस डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड लास्ट में हमारा क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, ये पूरा एक फिगर है आपका नेफ्रॉन का, ठीक है। अब नेफ्रॉन का ये पार्ट है, यहाँ पे ऐसा होता है, तो जैसे हमारी बॉडी के ब्लड आता है सारी चीज़ों को लेकर, तो वो यहाँ से पास करेगा, पैसे से पास करता है, एंड देन धीरे धीरे यहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में पहली चीज़ देख रहे हैं आप, ग्लूकोज वापस आपका ब्लड में वापस चला जाता है, अमीनो एसिड्स वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोडियम पहली बार सोडियम यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्ब हो रहा है पीसीटी में, ठीक है, वाटर पीसीटी में हो रहा है। फिर आगे नीचे बढ़ते हैं और हम वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl, इनका हम लोग का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वापस से, ठीक है। यहाँ पे फिर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर आप देखते हो DCT में, फिर आपका H+, K+, ये सब कुछ ड्रग्स होते हैं, इन सबका रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में वापस हो जाता है, एंड फाइनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, एंड फाइनली जो बाकी बरकत बचा कुचा होता है वो सब आपका यूरिन में चला जाता है। बट 90% चीज़ें जो आपका स्टार्टिंग से होता है वो आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ओनली 10% गोज इन टू दी यूरिन, ठीक है, रीअब्जॉर्ब, एंड 10% ओनली यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जनरल मैकेनिज्म होता है कि कैसे हम लोग का यहाँ से पूरा फिल्ट्रेशन शुरू होता है, ठीक है, आपका इस पॉइंट से पूरा फिल्ट्रेशन शुरू होता है, एंड देन फाइनली इट लीड्स टू आपकी फाइनल यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन अवर बॉडी, ठीक है। अब हमारे जो डायूरेटिक्स हैं वो क्या होता है, हमारे वाटर को एक्सक्रीट करा रहे हैं और हमारे सॉल्ट को एक्सक्रीट करा रहे हैं, ठीक है, वाटर को एक्सक्रीट कराएंगे और सॉल्ट को एक्सक्रीट कराएंगे। तो इस तरीके से
दोनों को एक्सक्रीट करा रहे हैं, डीएब्जॉर्प्शन को रोक रहे हैं, ठीक है। तो हमारी चार साइट्स हैं जहाँ पे हमारा सॉल्ट का एक्सक्रीशन रोकते हैं, पीसीटी पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और डीसीटी, और आपका फाइनली कलेक्टिंग डेट, ठीक है। कहाँ पर क्या क्या होते हैं, हमारी कैटेगरीज के ड्रग्स होते हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स वन ऑफ द क्लास ऑफ डायूरेटिक्स, वो आपके पीसीटी पे काम करेंगे, वहाँ से सोडियम और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, सोडियम को यूरिन में की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो आपके असेंडिंग लूप में होते हैं, वो आपके वहाँ से सोडियम पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं और वहाँ से उसको बाहर निकाल देते हैं। डी सी टी पे आपके थायजाइड्स ऐड करते हैं, सी सी टी पे पोटेशियम डायूरेटिक्स ऐड करते हैं। फिर आपके ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं, वो आपके इन सब जगहों पे तो होते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जनरली वाटर को रीअब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, वाटर का ऑस्मोसिस की तरफ से करके दे अलाउ कि इट कैन पास थ्रू दी यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पर वो एडीएच के एगोनिस्ट होते हैं, आपके एडीएच के एंटागोनिस्ट होते हैं, और कुछ आपके ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं जो वाटर का मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इन तरीके से आपका आपके डायूरेटिक्स होते हैं, जिनमें ये जो चार हैं, ये चार कैटेगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपके जनरलाइज हो जाते हैं, बट ये आपके चार कैटेगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके डायबिटिक्स का, और इस तरीके से ये आपके डायबिटिक्स में रीएब्जॉर्प्शन को रोककर उसको यूरिन में के थ्रू एक्सक्रीट आउट करा देते हैं, सोडियम को, पोटेशियम को, क्लोराइड्स को, एंड देन वी हैव वाटर को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये हमने ये पढ़ ली है तो हमारी क्लासिफिकेशन हो गई, बट ये एक्चुअली में ऐड कहाँ कहाँ करते हैं वो देखिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है ये है, देखिए हमारी, ये हमारी क्या थी, पीसीटी थी, ठीक है। पीसीटी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वहाँ पे कौन ऐड करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, वहाँ पे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोककर वो सारा का सारा सोडियम यूरिन के थ्रू यहाँ दे देते हैं, ठीक है। ब्लड में ना जाने के बाद यूरिन आपका यहाँ चला जाता है, ठीक है। सोडियम सारा आपका जो रीअब्जॉर्ब यहाँ पे होता है, उसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन को रोक कर यहाँ का यहाँ ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है उसको। इसके बाद सेकेंड पॉइंट होता है हमारा लूप ऑफ हेनली में, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हमारा ये लूप ऑफ हेनली में एक ट्रांसपोर्टर बना हुआ है, दिस ट्रांसपोर्टर इज नोन एज एन ए प्लस के प्लस टू सी एल माइनस, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, तो ये आपके सारे सोडियम क्लोराइड क्लोराइड को और पोटेशियम को अंदर लेता है। अब मैंने यहाँ पे इसको अगर रोक दिया, लूप डायरेक्टिक यहाँ पे दे दिया, तो ये रुक जाता है। रुक जाता है मतलब यहाँ सारा आपका जितने आयन्स हैं वो सारे के सारे यूरिन की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, अगर कोई और सोडियम थोड़ा बहुत बचा होता है, तो डी सी टू के थ्रू हम लोग थायजाइड डायरेक्टिक दे के यहाँ पर इनका हम लोग रोक देते हैं, तो वो आपका फिर सारा का सारा यहाँ बढ़ने लगता है। एंड फाइनली आपके यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, वहाँ पे हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पोटेशियम को तो अंदर ले लेते हैं, पोटेशियम को नहीं रहते रोकते हैं अंदर। जनरली इसके थ्रू क्या होता है, सोडियम बाहर जाता है, रीअब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम यूरिन में जाता है, बट हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर देते हैं। रिवर्स प्रोसेस में हम सोडियम पोटेशियम को अंदर कर देते हैं ब्लड में, और सोडियम को ब्लड यूरिन में डाल देते हैं, तो इस तरीके से सोडियम आपका बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपके यूरिन फॉर्मेशन में आपके ये पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर आपका ऐड करता है। तो दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, जनरलाइज्ड ओवरव्यू मैंने दिया आपको आपके ड्रग्स का, कि हाउ ड्रग्स है, हाउ वेयर द ड्रग्स एक्ट। तो आपके चार पॉइंट्स हैं ड्रग्स ऐड करने के, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए वी हैव फोर पोजिशन, ठीक है। साइट फोर होती है, साइट वन, साइट टू, साइट थ्री, एंड देन वी हैव साइट फोर, ठीक है। तो जो साइट फोर, ये कहाँ पे होती है आपकी, सी सी टी पे होती है, आपको कलेक्टिंग डक्ट बोल सकते हैं इसको। ये वाली आपकी डी सी टी पे होती है, ये वाली थिक लूप ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनली होती है, और ये आपकी पी सी टी पे होती है। यहाँ पे आपके सी ए इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लूप डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं, यहाँ पे आपके थायजाइड डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं, और यहाँ पर आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके मोड ऑफ एक्शन है। तो क्वेश्चन आपका जनरली साइट ऑफ एक्शन पर पूछ लेता है, और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से ड्रग्स ऐड कर रहे हैं, उनके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डायबिटिक्स के हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं और इनका समझते हैं। क्वेश्चन बहुत जनरली जनरलाइज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप सेंट्रेंस एग्जाम में, कि वेयर डू दिस एक्ट, पी सी टी कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वो पी सी टी पे कौन सा ड्रग एक्ट कर रहा है, कौन सा डायबिटिक्स ऐड कर रहा है, और सबके एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, आपको सबके एग्जाम्पल्स भी देख लेना, ठीक है। एसिटाजोलामाइड सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सी ए का, फ्यूरोसामाइड ल्यूक का होता है, पोटेशियम स्पेरिंग का स्पाइरोनोलैक्टोन होता है, एमिलोराइड होते हैं, थायजाइड्स में जितने भी थायजाइड्स, क्लोर थायजाइड, हाइड्रोक्लोर थायजाइड्स वगैरह होते हैं। और ऑस्मोटिक एग्जाम्पल क्या होता है आपका, ऑस्मोटिक आपका एग्जाम्पल होता है मैनिटॉल। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द डायूरेटिक्स, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही करेंगे, बस इतना ही, यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा आज का वीडियो, तो जिसमें हम लोग ने सिर्फ आज क्लासिफिकेशन पढ़ा है डायूरेटिक्स का,
कहाँ कहाँ पे ऐड करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस समझा यूरिन फॉर्मेशन का कैसे होता है, और डायुरेटिक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा, आप डायुरेटिक्स के बारे में पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जब डिटेल मोड ऑफ एक्शन पे आएंगे तब हम डिटेल मोड ऑफ एक्शन को समझेंगे, बट अभी के लिए आई विल स्टॉप दिस वीडियो एट दिस पॉइंट। आई होप ये वाला वीडियो थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा आपको, डायुरेटिक्स के बारे में एक ओवरव्यू मिलने में, समझने में, ओवरव्यू क्या होता है, डायुरेटिक्स क्यों होते हैं, कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकते हैं नेफ्रॉन में, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं, और क्या क्या चीज़ों को रोक रहे हैं, कहाँ कहाँ से थ्रू वो ऐड करते हैं, ठीक है। सो नाउ आई विल स्टॉप दिस वीडियो, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। अब इसके बाद हम लोग बाद में इसका केमिस्ट्री पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।